यूजर रिकमेंड किए मुझे कि आप हमें बताइए कि कैनवा के अंदर किस तरह से जो साइज है उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। मतलब ये है कि कैनवा में आप अपनी मर्जी के साइज का डिज़ाइन जो है वो कैसे सेट करते हैं, कैसे ला सकते हैं, ये हमने समझना आज। तो उसके लिए जब आप कैनवा ओपन करोगे तो आपके राइट साइड पे आएगा कस्टमाइज साइज, ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, चलो मैं आपको जरा जूम करके दिखाता हूँ। राइट साइड पे आपको ऐसे कस्टमाइज साइज की ऑप्शन मिलेगा, कस्टमाइज जो साइज है इसका टैब मिलेगा, आप इसमें क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर विड्थ दो और हाइट दो, फॉर एग्जांपल आप 1000 विड्थ दे रहे हो और 600 आप हाइट दे रहे हो, और उसके बाद आप क्लिक कर दो क्रिएट न्यू डिजाइन। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा, और इस नए टैब में जो साइज आपने दिया है, क्या साइज दिया बोला, 1000 by 600, तो उस साइज का, उस साइज के जितने टेम्पलेट्स है ना वो आपको अब ये शो कर रहे हैं। मैं जरा इसको थोड़ा डाउन करो, चूंकि आप साइज जूम आउट करता हूँ, आपको दिखाई दे, ये आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देखिए सारे वो डिजाइन आ गए जिनका साइज 1000 by 600, आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये चूंकि मैंने जूम आउट किया हुआ है तो अगर अगेन इसको जूम आउट करो तो अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो साइज है 1000 by 600 है अनटाइटल डिजाइन में, और ये आपके राइट साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यू आप क्या कर सकते हो कि बड़ी आसानी से ना किसी भी साइज का डिजाइन आप सेट कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका ये जो प्रॉब्लम थी कि हाउ टू कस्टमाइज अ साइज इन कैनवा, तो ये मैंने आपको सिखा दी है।